सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग एक टेक्निक है किस चीज़ की? डाटा कलेक्शन की। कहाँ करना है ये? सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। कब? जब पॉपुलेशन बड़ी है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी हमें स्टडी करनी है तो हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है एक रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ डाटा विच स्टैंड फॉर होल ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब सारी पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है ये डाटा, क्योंकि हम सारी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो सैम्पलिंग को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी फर्दर टाइप्स हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी की भी आगे टाइप हैं। तो पहले करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब इसमें हर एक एलिमेंट के इक्वल चांस हैं आने के, बीइंग सेलेक्टेड, सेलेक्टेड होने के चांस इक्वल हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पल जो पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी है ये। नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की पहली टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें होता ये है कि आप रैंडमली उसे कलेक्ट इकट्ठा, रैंडमली आप किसी को भी उठा लेते हो जिसकी, उस ग्रुप से जिसकी हमें, उस पॉपुलेशन के ग्रुप से जिसकी हमें स्टडी करनी है, तो वहाँ से हम रैंडमली बिना किसी क्राइटेरिया के हमने वहाँ से कोई भी उठा लिया और उसके ऊपर वो स्टडी कर दी, तो ये हो गई सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि हमने सैम्पल ऐसे ही ले लिया। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है, जो कि ये नेक्स्ट टाइप है, कि आपने उसे सिस्टमेटिकली उन्हें सेट किया, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने सेट कर दिया सबको, ठीक है, उसमें से आप कोई भी एक, जैसे 10th, 20th या 5, 10 ऐसे हमने उठाया, सिस्टमेटिकली हमने उसे उठाया और उस ग्रुप की स्टडी की। तो सिंपल रैंडम में आप ऐसे ही उठा लेते हो, सिस्टमेटिक में मतलब आप सेट करने के बाद 5वां या 10वां, ऐसे 5-5 के डिफरेंस पे या 10 के डिफरेंस पे या 20 के डिफरेंस पे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन या उस पर किस चीज़ की हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी का ही थर्ड टाइप है। इसमें स्ट्रेटिफाइड में होता है क्या कि हम रिसर्चर जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप को हाईलाइट करना चाहता है, जैसे एज ग्रुप ले लिया उसने, जैसे हमें 20 से लेकर 25 तक के ही पॉपुलेशन चाहिए या 30 से लेकर 40 तक पॉपुलेशन चाहिए, ऐसे एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप से स्टडी करनी है, तो ये होगी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में ये होता है कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया है सेपरेट ग्रुप्स में, जैसे एक जिले में कितने स्कूल हैं, उससे सारे स्कूल के कुछ बच्चे वो हर स्कूल से ले लिए, उनका ग्रुप बना दिया, तो इसी तरह से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप बना दिया, एक ऐसे ही क्लस्टर बना दी गई। अब उस क्लस्टर से कोई भी ले लिया गया, मतलब क्लस्टर बनाने के बाद एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसमें हो जाती है। सिंपल रैंडम आप उठा लेते हो स्टडी करने के लिए, सैंपल ले लेते हो लोगों का। तो पहले क्लस्टर बनाने, क्लस्टर मतलब होमोजीनियस एक जैसे ही होंगे वो, तो क्लस्टर बनाने के बाद उसमें से उठाना है। ये क्लस्टर सैम्पलिंग है प्रोबेबिलिटी टाइप की ही सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये पहले बता रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी में होता है इक्वल चांस, इसमें इक्वल चांस नहीं होगा। इक्वल चांस नहीं होगा तो मतलब बायस्ड होगी स्टडी, कैसे हो सकती है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ये पहली टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी की। ओके, तो कन्वीनियंस का मतलब भी खुद है कि आप कन्वीनियंस जो आपको लग रहा है, जैसे हमें किसी ग्रुप की स्टडी करनी है, किसी कॉलेज के बच्चों की स्टडी करनी है, तो हमने जो नज़दीक वाला कॉलेज है उसके बच्चे ले लिए, या किसी इंडस्ट्री की स्टडी करनी है तो हमें जो हमारे नज़दीक इंडस्ट्री है वहाँ से ले लिए वर्कर, उनके सैंपल बना लिया, उनकी स्टडी करी, तो मतलब कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। तो अपने आराम की वजह से इसने ले लिया गया। नेक्स्ट है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पज है, जैसे हमें 40 से लेकर 50 ईयर तक के ही वो पॉपुलेशन चाहिए, तो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमें वो चाहिए, तो ये होगी पर्पजिव सैम्पलिंग। इसके सब टाइप हैं कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये है कि डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम होमोजेनियस ग्रुप्स। इसमें ये होता है कि अगर जैसी वहाँ की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हमारे सैम्पल में देखनी चाहिए। सोच लो, मानो कि इसमें 45% फीमेल है एक ही राम है और 55% मेल है, तो जो हमने सैंपल बनाया है उसमें वो पॉपुलेशन, वो परसेंटेज दिखना चाहिए, इसलिए ये कोटा है। कोटा का मतलब समझ में आ रहा है ना, कोटा मतलब इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये हैं, तो वो परसेंट हमारे सैंपल में दिखना चाहिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग वहाँ होती है जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव, जो पोटेंशियल पार्टिसिपेंट है वो, उन्हें ढूंढना ही मुश्किल है, तो स्नोबॉल का मतलब चैन सैम्पलिंग भी कहते हैं, रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं, मतलब हमें वो लोग नहीं मिल रहे हैं जिनके ऊपर स्टडी करनी है, उस एरिया में ये हो रहा है, तो ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि
आफ्टर ऑब्जर्विंग द इनिशियल सब्जेक्ट, हमने स्टडी कर ली, तो अब रिसर्चर आस्क फॉर द असिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू हेल्प। सब्जेक्ट्स जो पॉपुलेशन है वो ही लोगों को जोड़ते हैं कि जो इसमें करंटली स्टडी करवाने में हेल्प कर सके या इंटरेस्टेड हो उन्हें ही जोड़ते हैं। इसलिए स्नोबॉल को जैसे बर्फ के गोंद, एक बॉल फेंको बर्फ में और तो उसमें बर्फ जुड़ती 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 बड़ी हो जाती है ना, बर्फ मतलब उसमें मिलती चली जाती है। तो जैसे चैन है तो चैन जुड़ती चली जाती है, एक के बाद दो दो चार छः ऐसे वो जुड़ते जाते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब वो लोग जुड़ते चले जाते हैं, चैन सैंपलिंग या इसे रेफरल सैंपलिंग भी कहते हैं।